के अधिकार लोगों को, अफसर लोगों को दबाव में ला के ये सर्टिफिकेट इश्यू मत करो बोल के दबाव में ला रहे। सरकार ये देख के भी खामोश है। हमारे तलवार जाति लोगों को एसटी देना बोल के पार्लियामेंट में पास होके दो साल हो गए, दो साल से हम लोगों को एसटी प्रमाण पत्र नहीं मिला। झूठा केस, झूठा इल्जाम लगा के वो लोगों के ऊपर केस करके डराने का कोशिश कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर एक को, हर एक का इंसान का हक उसको दिया। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन, ओपन बेड, एसी एंड नॉन एसी लॉज, वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी, सेपरेट लॉकर, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर, डिलक्स स्टे एंड मच मोर। एड्रेस सुपरमार्केट, अपोजिट चेतन स्कूल, गुलबर्गा। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ ಕಾಮನಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಬೇಕು। ಅಮರೇಶ್ ಕಾಮನಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಬೇಕು। आज के दिन जो यादगिरी जिला में कर्नाटक सरकार जो त्यौहार जाति के लोगों के लिए परिशिष्ट पंगड़ जो एसटी में, जो त्यौहार लोग एसटी में है वो लोगों को सर्टिफिकेट देना बोल के सरकार और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यहाँ पर गुलबर्गा में जो नवा गया पिछले 30 तारीख के दिन यहाँ पर आदेश पत्र से ला के दिखा के ये जो त्यौहार के लोग हैं, ये त्यौहार के जाति का लोग है, इनको एसटी में जो एसटी का सर्टिफिकेट इनका हक है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जो संविधान दिए थे वो संविधान के आर्टिकल से इनको, ये लोगों को एसटी मिलना चाहिए बोल के जो सर्टिफिकेट दिया। तो यादगिरी जिले में आज तक एसटी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे। वहाँ पर जो पहले से एसटी में है लोग, जो यादगिरी जिले में आता है सुरपुर तालुक जो है आज कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र जो हो एसटी है, वहाँ पर वो कैटेगरी फिक्स हो गया। पहले जो एसटी में है वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के अधिकार लोगों को, अफसर लोगों को दबाव में ला के ये सर्टिफिकेट इशू मत करो बोल के दबाव में ला रहे। ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। सरकार ये देख के भी खामोश है। ये 2 महीने से चल रहे या अभी 2 साल से हम लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से बिल्कुल हम लोगों को नाइंसाफ़ी हुआ। जो केंद्र सरकार में 2020 में आया एसटी, जो आर्टिकल जो संविधान में हमारे तलवार जाति लोगों को एसटी देना बोल के पार्लियामेंट में पास होके 2 साल हो गए, 2 साल से हम लोगों को एसटी प्रमाण पत्र नहीं मिला। ये होने के बाद जो बसवराज बोम्मई साहब गुलबर्गा में आए थे, उन्होंने ये क्लियर कर दिया एसटी सर्टिफिकेट देना चाहिए बोल के ऑर्डर गवर्नमेंट किया। जब परसों 2 महीने से ये जो ऑर्डर किया, तब से यादगिरी जिले में ये ऐसी हरकतें घड़ी घड़ी हो रहे। जो ये सुरपुर तालुका तहसीलदार, कुछ जने को एसटी सर्टिफिकेट दिया, दे के दूसरे दिन उनके ऊपर केस किया, ये ना इंसाफी वाला बात है। जो ऑफिसर तहसीलदार एसटी सर्टिफिकेट इश्यू करता, वही तहसीलदार उनके ऊपर केस करता डुप्लीकेट लिया बोल के। तो तहसीलदार डुप्लीकेट कैसे दिया? वहाँ के एमएलए लोग, माजी एमएलए लोग जो एसटी में है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव ला के वो झूठा केस, झूठा इल्ज़ाम लगा के वो लोगों के ऊपर केस करके डराने का कोशिश कर रही है। सरकार ये जो लोग है इनकी भेखों में आके खामोश बैठी है। ये आजकल ये नहीं चलता। जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। जो ऑलरेडी एसटी में है वो लोग दूसरे का हक छीना नहीं चाहते, छीना नहीं सकते। जिसको जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। तुम लोग तुम्हारे हक के लिए पोराट करो, प्रतिपक्ष प्रोसेस करो, तुम्हारा हक के लिए कुछ भी आपका हक बनता, लेकिन दूसरे का हक छीनने का अधिकार आपको नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर एक को, हर एक का इंसान का हक उसको दिया। वो तौर से वहाँ पर यादगिरी जिला में एसटी सर्टिफिकेट त्यौहार लोगों को मिलना चाहिए। जो तहसीलदार ऐसा किया बोल के वहाँ के हमारे अमरेश कामनकेरे जिन्होंने जो ऑफिसर के पास जाके, ऐसा नहीं होता, यह गलत है।
जो जिसका दाखिल में जो शाला स्कूल में जो उसका टीसी में आता है कौन सा जात का आता है वो जात का सर्टिफिकेट दो, यह नहीं चलता बोल के, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे बोल के, कोर्ट जा रहे थे उसको रास्ते में रुका के तकरीबन 15-16 लोग मिलके उसके ऊपर हमला किए, जानलेवा हमला किए। तो अभी तक उसके जो हमला किए वो लोगों को अरेस्ट नहीं किया। वहाँ पर जो राजनेता चल रही है वहाँ के जो क्षेत्र है वो एसटी है, इसलिए वहाँ के सब अधिकार के ऊपर दबाव लाके जो लोगों को डराना चाहते वो नहीं होता। सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखना चाहिए और वहाँ के यादगिर जिले का डीसी जिलाधिकारी जिनको निर्देशन देना चाहिए, ये लोगों को सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम कर्नाटक राज्य कोली कब्बलिगा होराट के समिति के तरफ से ऑल कर्नाटक में और गुलबर्गा यादगिरी जिले में आगे चलकर हम बड़ी से बड़े होराट करेंगे। सरकार को हम इस टाइम में आग्रह कर रहे हैं सर्टिफिकेट देना चाहिए, अगर नहीं होता तो आगे हम और होराट हमारा होराट जारी रहेगा बोल के हम ये समय में बोलना चाहते हैं। नमस्कार।